गोद लिए गए स्कूल की व्यवस्था दिखाने आए भारत रत्न क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सीहोर के आदिवासी गांव सेवनिया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पहुंचे। आदिवासी बहुल्य गांव सेवनिया में स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद कुटीर संस्था के कुटीर स्कूल में पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। नसलागंज खेल भारत रत्न से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे। आदिवासी बाहुल्य गांव सेवानिया पहुंचे, जहां स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर संस्था के कुटीर स्कूल में पहुंचे। कुटीर में संचालित बच्चों से मुलाकात की, पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। उक्त संस्थान गरीब मजदूर निसहाय बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। गौरी जी, सचिन तेंदुलकर आपसे मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया। जी, क्या कहा उन्होंने? से तो कुछ नहीं। आपने बाल भी डाला था? हाँ, उनको बॉल भी डाला था। फिर कैसा, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा उनको बॉल डाल के। ठीक। शिक्षा सोलंकी है और मैं परिवार से रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर में पढ़ती हूँ, और हमारे यहाँ सचिन सर आए थे। कैसा लगा उनसे मिलके आपको? बहुत अच्छा लगा। सचिन सर ने आपसे बात की थी? जी सर। क्या बोला था? वो बोले थे आप बड़े होकर क्या बोलना चाहते हो, और ड्राइंग अच्छी बनाई। फिर आपने क्या बोला, क्या बनोगे बड़े होकर? पुलिस बनोगे? अच्छा, इसके अलावा कहीं शासकीय स्कूल में जाते हैं आप? जी सर। ये जो अपना स्वामी विवेकानंद है परिवार जहाँ आप पढ़ते हैं, तो ये इसका समय क्या होता है स्कूल से आने का? कब आते हैं आप? 7 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, इसके बाद फिर कहाँ जाते हैं? स्कूल। फिर शाम को आते हैं? जी सर। क्या क्या सुविधाएं दी जाती है आपको यहाँ? सर खाना भी देते हैं और अच्छे से पढ़ाते भी हैं, और ड्रेस भी मिली सर, टी शर्ट और स्वेटर भी मिला, और दादी को कंबल भी मिले थे सर, नाटी भी मिली थी। मतलब आपके अलावा आपकी दादी को भी मिला है? जी सर, दादाजी को कंबल मिले थे। मतलब आपके साथ सुविधा परिवार वालों को भी सुविधाएं मिल रही है? जी सर। शिवानी नरगावे है और हम ग्राम सेवनिया में रहते हैं। अभी आपके बीच में कौन आए थे और उनसे मिलके कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा सचिन सर से मिलके। क्या बोला आपने, आपसे चर्चा भी हुई ना उनकी? जी सर। क्या बोल रहे थे? आप अच्छे से पढ़ना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। बड़े भी करा था सर। अभी कौन आए थे आपके बीच में? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। क्यों आए थे? उनके यहाँ पर संस्था है तो उनको देखने और कैसा क्या चल रहा है, तो ये इसलिए आए थे। आपने बातचीत भी हुई उनकी? हाँ हुई। क्या बोले? उसने कहा कि जो भी हमारे ड्रीम्स है पूरे करेंगे, अगर हम सच्चे मन से और फाइनल तक पढ़े तो पूरा करेंगे। तो आप इस संस्था में पढ़ते भी हैं? हाँ। कब से? 2 साल से। क्या आपने गेंद भी डाली है सचिन जी को? हाँ डाली है। फिर कैसा लगा आपको? मुझे गेंद डालते वक्त बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी खुशी हो रही थी कि मैं इतने बड़े देवता के सामने बॉल डाल रहा हूँ। चलिए।